उनका आरोप सही है और मैं समझता हूं कि इस देश को खतरा है जिस तरह से डिक्टेटोरियल हो रहा है. ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर में इन लोगों को वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे कि देश खतरे में पड़ जाए. ये कलकत्ता या ममता बनर्जी या सीबीआई के वर्सेस नहीं चल रहा है, ये तो केंद्रीय सरकार वर्सेस अपोजिशन चल रहा है. जब से भी ये पार्टी सत्ता में आई है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है नेशनल स्तर पर, तब से भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करने की तरफ बहुत कम ध्यान दिया है. उनका पूरा 5 साल इसी में गुजरे हैं कि किस तरह से विरोधी दल, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या स्टेट स्तर के हों, उन विरोधी दलों को किस तरह से ख़त्म किया जाए. पश्चिम बंगाल जैसा बड़ा स्टेट है, देश में सेंसिटिव स्टेट है, वहाँ के मुख्यमंत्री अगर धरने पर बैठे हैं तो मुझे लगता है अपने आप एक बहुत गंभीर बात है. चीज़ें क्या है सबको मालूम है. ये सीबीआई वर्सेस ममता बनर्जी है या ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी है, ये 2 दिन में पता चलेगा. लेकिन देश में जो चल रहा है सीबीआई के नाम पर, उसमें क्या सच है क्या गलत है यह हम देखेंगे. लेकिन अगर सीबीआई का गलत इस्तेमाल इस देश में चल रहा है, जो हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है, तो उस बारे में ये बात सिर्फ अपोजिशन की नहीं है, ये बात राष्ट्र की गरिमा की है.